हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कोकोपीट के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आजकल कोकोपीट के बिना गार्डनिंग करना तो इम्पॉसिबल जैसा लगता है। हमारे सभी चीज़ों में ये काम आती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है गार्डनिंग के लिए। तो मैं बताऊंगी कि हमें किस तरीके से इसे यूज़ करना है। लास्ट टाइम मैं कोकोपीट लेकर आई थी और मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में उसमें न्यू प्लांट्स लगाने थे, सीड्स डाल दिए। आप यकीन नहीं मानोगे, सारे सीड्स बड़ी बुरी तरह से फंगस ने खा लिए। उसमें कुछ भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा लेट हो गए इस बार मेरे प्लांट्स फ्लावर्स के। तो ये देखिए, इस बार मैंने ये न्यू आइडिया अपनाया है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि आप देखते हैं ये एकदम ब्लैक कलर की होती है। जबकि सभी जानते हैं नारियल का छिलका कोई ब्लैक कलर का नहीं होता, वो रेड कलर में होता है, थोड़े गेरुआ जैसे कलर में। लेकिन पता नहीं क्या इसमें केमिकल डालते हैं या फिर इसमें फंगस आ जाता है, ये एकदम ब्लैक जैसी हो जाती है। ये देखिए, मैंने इसे पानी डाल के दो बार बहुत अच्छे से धो लेना है। एक बार पहले निकाल दिया था, एक बार दोबारा निकाल दिया। और इसमें ना कुछ रेत जैसा होता है, सैंड टाइप की चीज़, हो सकता है वो भी प्लांट्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम करता हो। ऐसे कपड़े में छान के और अच्छे से इसे निचोड़ लेना है। आप चाहें तो कपड़े को अच्छे से कस के बांध के और वॉशिंग मशीन के स्पिनर में डाल के भी स्पिन कर सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छा सूख जाएगा। और फिर इसे अगर धूप लगा लें एक दो दिन की तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आपने इसे मॉइस्चराइज्ड करना ही है, तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और जब इसे हम सुखा लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो इसका कलर वही मिल जाएगा जो नेचुरल नारियल का कलर होता है। ये देखिए, इसमें शायद ब्लैक कलर मिलाया हुआ है या फिर केमिकल है, जो भी हो, लेकिन मैंने इसमें दो तीन बार प्लांट्स लगा के देखे, बड़ी बुरी तरह से एकदम गल जाते हैं प्लांट। ऐसे लगता है कि जैसे ज़्यादा पानी डाल दिया या क्या हुआ। ये इसमें जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये केमिकल है कुछ, मुझे नहीं लगता ये रेत है, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए तो हार्मफुल नहीं होती। और शायद इसी वजह से प्लांट इसमें हुए नहीं मेरे। तो ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे पानी निकाल दिया था इसका। अब इसका हल्का हल्का रेड कलर आने लगा है, और जैसे ही ये और ज़्यादा ड्राई होगी ना, इसका एकदम नेचुरल रेड कलर आ जाएगा। उसे देख के लगता है कि हाँ, ये सच में कोकोपीट ही है, नहीं तो वो ब्लैक सा कलर होता है, पता ही नहीं लगता। ये देखिए, और कोकोपीट मोस्टली जो हम न्यू प्लांट्स उगाते हैं, सीड्स जो लगाते हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जैसे बास्केट होती हैं, हैंगिंग बास्केट, मैंने उनमें भी इस बार यूज़ किया कि उनमें ज़्यादा वज़न हो जाता है मिट्टी और सारा कुछ भरने से। तो नीचे इसे लगाया और फिर मिक्स करके सैंड में तब इसको लगाया, यूज़ किया था मैंने। ये देखिए, मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दी है, और मैंने बहुत अच्छी तरह से ड्राई करके रखनी है ये, क्योंकि जब भी यूज़ करनी हो बस तैयार है, कभी भी यूज़ कर लो। और एट ए टाइम आप करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और लेट भी हो जाते हैं। तो आप जैसे और भी कोई प्लांट लगाते हैं ना, कुछ सर्कुलेंट टाइप के हैं या थोड़े सॉफ्ट प्लांट होते हैं जो बड़ी मुश्किल से होते हैं, उनमें भी डाल सकते हैं इसे। तो उससे जो हमारी सैंड होती है वो लाइट वेट हो जाती है, तो जो इनकी रूट्स होती हैं वो बड़ी अच्छी ग्रो करती हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो मेरा। ओके, थैंक यू।